हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किचन विंग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजमा विद जीरा राइस की रेसिपी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजमा बनाने के लिए। ये मैंने हाफ केजी राजमा लिया है, इसको मैं ओवरनाइट पानी में सोक करके रखूंगी जिससे ये अच्छे से फूल जाए। इस राजमा को मैंने रात भर अच्छे से सोक कर दिया था पानी में जिससे कि ये अच्छे से फूल गए हैं। तो हम इसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। राजमा बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स हमें चाहिए हैं, ये मैंने ड्राई स्पाइसेस लिए हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, 8 से 10 काली मिर्चें, 7-8 लौंग ली हैं, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, और ये 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने बारीक चॉप कर रखा है, 1 बड़े साइज का प्याज लिया है इसे भी मैंने चॉप कर रखा है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे इसके लिए। अब ये मैंने कुकर में अपना राजमा ले लिया है और इसमें मैंने 1.5 ग्लास के करीब पानी लिया है और इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी और इसका गैस फ्लेम ऑन करके इसमें 1 विसल आने के बाद और मीडियम हीट पर हम इसे लिड कवर करके इस राजमा को कुक कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं जीरा राइस की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1/2 केजी ये व्हाइट वाले बासमती चावल लिए हैं। ये राइस अपने मैंने पानी में अच्छे से वॉश कर लिया इनको 4-5 बार और उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी ऐड करके अभी हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं मेरे इस राजमा को कुक होते हुए। अब हम इसका गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे चेक कर लेंगे। ये राजमा हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने ये पैन ले लिया है और मैंने गैस फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें अपना ऑयल ऐड कर दूंगी और इसे अभी हीट अप होने देंगे हम। ये ऑयल मेरा हीट अप हो गया है, इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है और ये जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा सॉटे करेंगे, इसे ज्यादा डार्क नहीं करेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरे अच्छे से क्रैकल हो गए हैं। अब मैं इसमें जो मेरी प्याज है वो ऐड कर दूंगी और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, हल्का सा पिंक कलर आने देंगे इसमें हम। नेक्स्ट मैं इसमें अपने टोमेटोज ऐड कर दूंगी, इसे भी फ्राई करेंगे हम। टमाटर और मेरे प्याज अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब मैं इसमें अपना रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें ये हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूंगी और अपना सॉल्ट भी ऐड कर देंगे इसमें हम। और अभी इसे अच्छे से हम कुक होने देंगे जब तक कि हमारे ये टमाटर जो हैं अच्छे से इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाते। ये टमाटर हमारे इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो गए हैं। अब जो मैंने अपना राजमा बॉइल किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें जो पानी था वो भी हम इसी में ले लेंगे साथ में और अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी इसे हम इसके साथ अच्छे से कुक करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ये राजमा हमारे यहाँ अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं अपना गैस फ्लेम बंद कर दूंगी और इसकी लिड कवर कर देंगे जिससे कि इसका ऑयल रिलीज हो जाए इसमें। राइस बनाने के लिए मैंने एक अपना पॉट ले लिया है और उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी और 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और इसको अभी क्रैकल होने देंगे हम। ये जीरा हमारा अच्छे से क्रैकल हो गया है, हमें इसे और ज्यादा डार्क नहीं करना है। अब मैं इसमें 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दूंगी। जितने हमारे चावल होते हैं उस हिसाब से हमें उसका पानी उसका दुगना लेना होता है या डबल लेना होता है। तो जैसे कि मेरे चावल 1 ग्लास के करीब थे तो मैंने इसमें डबल पानी लिया है तो ये 2 ग्लास हो गया। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी और इसमें बॉयल आने देंगे। ये पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब जो मैंने अपने चावल सोक करके रखे थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अभी हम चलाएंगे और इसको अभी हम ऐसे ही बॉयल होने देंगे। ये चावल हमारे 80% डन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्लेम लो कर देंगे
और इस पे लिड कवर करके इसको हम कुक करेंगे 5 मिनट्स के लिए, जब तक कि हमारा पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता है। अब हम अपने चावल चेक कर लेते हैं, इसका पानी सब ड्राई हो गया है। और अपना गैस फ्लेम बंद कर दूंगी मैं, और अपने राजमा और अपने जीरा राइस हम सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे राजमा और जीरा राइस बनकर रेडी है, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आपने देखा कि मैंने कितने सिंपल इंग्रेडिएंट से अपना राजमा रेडी कर लिया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। टिल देन बाय बाय।